हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, इसके मैं आपको दो लेक्चर करा चुका हूँ। दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहले हमने पढ़ा बीम क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, और उसके बाद दो सिंपल प्रॉब्लम्स जिनमें कि हमने रिएक्शन फाइंड करना सीखा। आज मैं आपको इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ, हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यानी कि कोई भी बीम के लिए, दी गई धरन के लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, दोनों ही कैसे करते हैं ये आपको आज इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि तीन पॉइंट लोड लगे हैं। पहले पॉइंट लोड की वैल्यू 4 किलोन्यूटन, दूसरे 8 किलोन्यूटन और तीसरे की 12 किलोन्यूटन है। ठीक, अब इसमें डिस्टेंसेस दी गई है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 3 मीटर। थोड़ा वेरिएशन लग गया है, 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, और हमको सिंपल क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ द एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर द फॉलोइंग बीम। यानी कि दी गई धरन के लिए कर्तन बल आरेख व नमन घूर्ण आरेख ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये सोल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो भी बीम दी गई है उस पर सपोर्ट्स के मान ज्ञात करेंगे। यानी कि रिएक्शन, जो भी सपोर्ट्स पर रिएक्शन आ रही है उसको हमें फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। सबसे पहले हर पॉइंट पर एक नेमिंग करेंगे, जो भी उसने पॉइंट दिए हैं उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, जहां पर भी सपोर्ट है वहां पर एक प्रतिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, जहां पर भी सपोर्ट है वहां एक प्रतिक्रिया आर ए और आर ई मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या होती थी, अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस, यानी कि ऊपर की ओर बल बराबर नीचे की ओर बल। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लगने वाले बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाले बल। चलिए देखिए ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहे हैं, आर ए प्लस आर ई। ठीक, तो ऊपर की तरफ लग रहे हैं आर ए और आर ई, डाउनवर्ड साइड में लग रहे हैं 4 किलोन्यूटन, 8 किलोन्यूटन और 12 किलोन्यूटन, 12, 8, 20, 24, टोटल हो गया 24 किलोन्यूटन। तो हमें इस बीम पर 24 किलोन्यूटन का टोटल भार लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता था हमारा ए के परित आघूर्ण लेने पर, ऑन टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, इसका हिंदी होता है ए के परित आघूर्ण लेने पर। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी से नहीं घबराएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइन है, आपको वही एज यूजुअल यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए के परित आघूर्ण लेंगे तो यहां पर आप खुद को ए को सपोज कीजिए और सबको मूवमेंट लेते चलाइए, आर ए इंटू जीरो प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो 4 इंटू 2, नेक्स्ट 8 इंटू 2 टू 4, नेक्स्ट 12 के लिए, 12 भी क्लॉकवाइज जा रहा है, डिस्टेंसेस की 5, सारी डिस्टेंसेस ए से ली जाएंगी क्योंकि ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर ई, नेक्स्ट एंड लास्ट। अब आर ई की दूरी कितनी है, 3 और 1 4 टू 6 टू 8, यानी कि टोटल हो गई 8। आप ये देख सकते हैं कि सारी दूरियां ए से ली गई है क्योंकि मूवमेंट ए के अबाउट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आर ई इंटू ए, इसको मैं राइट साइड ले गया, बाकी चीजें सोल्व कर रहा हूं। 16, यहां से देखो 4 टू 8, 8 चौक 32 और ये 12 पंजे 60, तो टोटल सोल्व करके कितना आएगा, 92 और 8 100 डिवाइड बाय 8। तो ये सोल्व करके, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा एग्जाम में। तो 8 1 8 2.5। ठीक है, अब आप एक आर ए का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको
आप आरए का मान इक्वेशन वन में रखेंगे तो आपको आरए का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 24 में से ये सब्ट्रैक्ट हुआ 11.5 किलोमीटर। तो आपको यहां तक के यानी कि आरए और आरई यानी कि दोनों सपोर्ट्स पर आपको रिएक्शन के वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अभी तक हम यहां तक समझ चुके थे, अब हम इससे आगे भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें कहा गया है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। तो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। शियर फोर्स डायग्राम के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिर्फ दो बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक। पहली बात क्या है कि आपको हर पॉइंट पर दो बार शियर फोर्स काउंट करना है। एवरी पॉइंट यू मस्ट कैलकुलेट टू टाइम्स शियर फोर्स, ठीक है। दो बार कौन कौन से है, पहले उस पॉइंट से पहले क्या हुआ और दूसरा उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। तो हमें पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हर पॉइंट पर दो बार शियर फोर्स कैलकुलेट होगा। दूसरी बात आपको साइन की बात याद रखनी है कि अगर कहीं पर ऊपर की साइड बल है यानी कि अपवर्ड फोर्सेस हमेशा निगेटिव ले जाएंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले जाएगा, ठीक है। यानी कि अपवर्ड होगा तो निगेटिव और डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव, यानी कि जो बल ऊपर की तरफ लग रहे हैं उनको हम माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे और जो बल नीचे की तरफ लग रहे हैं हम उनको प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन एवरी पॉइंट काउंट करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स बिफोर ए, स्टूडेंट हिंदी में लिखेंगे वो लिखेंगे ए से पहले कार्यरत कर्तन बल। शियर फोर्स एसएफ का मतलब है यहां पर कर्तन बल, शियर फोर्स बिफोर ए, ए से पहले कर्तन बल। तो देखिए ए ये रहा, ए से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए से पहले कुछ भी नहीं है इसका मतलब हो गया जीरो, ठीक। अब आगे क्या लिखेंगे, शियर फोर्स एट ए, ए पर कर्तन बल, ए पर कर्तन बल यानी कि ए पर कितना कर्तन बल कार्य कर रहा है, हमको लेफ्ट साइड देखना है लेफ्ट, ठीक है। तो ए पर कर्तन बल लग रहा है केवल आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी है ये हमको यहां से मिल जाती है 11.5, ठीक है। लेकिन आर ए किस साइड पर लग रहा है, ऊपर की साइड, ऊपर को मैंने आपको पहले ही बताया कि अपवर्ड को नेगेटिव लेना है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही सेम प्रोसीजर में आप जाएंगे पॉइंट टू बी के लिए, शियर फोर्स बिफोर बी, मतलब कि बी से पहले कर्तन बल। बी ये रहा, इससे पहले पहले केवल आर ए है जिसकी वैल्यू है माइनस के 11.5 किलोन्यूटन। फिर शियर फोर्स एट बी, इसके अलावा तो बी से पहले कुछ नहीं था तो बिफोर को मैंने इनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट बी पर, बी पर का मतलब है यहां पर देखिए एट का मतलब वैसे तो पर होता है, ठीक है, बी पर कर्तन बल, लेकिन हम यहां पर लेंगे तक, अपने सेंस में आपको खुद सपोज करना है कि बी तक कर्तन बल, ठीक है। इससे आपको आसानी रहेगी, सिर्फ आसानी के लिए बोल रहा हूं, ठीक। तो बी तक देखिए, बी तक में आपको ये आर ए भी काउंट आ रहा होगा और फोर किलोन्यूटन भी, क्योंकि अब ये भी है आपको यहां तक काउंट करना है। तो आर ए की वैल्यू थी 11.5 और बी पर जो बल कार्य कर रहा है पॉइंट लोड 4 किलोन्यूटन का, इसको भी कंसीडर करेंगे। इसको मैं प्लस ले रहा हूं, प्लस क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ लगने वाला बल प्लस मिल जाता है, तो ये टोटल रह गया माइनस के 7.5 किलोन्यूटन, ठीक। नंबर थ्री, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, शियर फोर्स बिफोर सी, अर्थात सी से पहले कर्तन बल, ठीक है। हमको हर पॉइंट पर देखिए हम दो बार निकाल रहे हैं और ऊपर की तरफ लगने वाले बल को माइनस ले रहे हैं और नीचे की तरफ लगने वाले बल को प्लस ले रहे हैं। लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसे इस तरीके से लिखिए, यह आपको इंप्रेसिव भी रहेगा और आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। मेन पार्ट है वैसे आपका कैलकुलेशन का, आपको मेन पार्ट इसको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए सी से पहले पहले आपको दिख रहा है कि सिर्फ आर ए है और ये 4 किलोन्यूटन का बल है, तो हम सी से पहले में दोनों ये लिख देंगे 11.5
प्लस 4 मींस माइनस के 7.5 किलोमीटर, ठीक है, तो उतना ही आगे तो पहले था 7.5 माइनस के किलोमीटर। अब एट सी, ठीक है, यानी कि सी तक, आपको सी तक का कैलकुलेट करना है, ये भी आएगा, 4 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो माइनस के 11.5 ऊपर की तरफ है इसलिए माइनस, 4 नीचे की तरफ है, 8 नीचे की तरफ है, तो ये हो गया माइनस, सॉरी आपके पास प्लस आ जाएगा 8.4 12.5 किलोन्यूटन। नेक्स्ट, शियर फोर्स बिफोर डी, हमको हर पॉइंट पर जाना है डी से पहले पहले, डी से पहले आप देख सकते हैं यही आएगा 11.5 4 और 8 मींस 0.5 किलोन्यूटन। ये इसलिए लिया है क्योंकि डी से पहले लेना है, डी तक नहीं लेना है, डी का अब लेंगे, जो डी पर लग रहा है वो फोर्स अब काउंट किया जाएगा, मतलब कि ये 12 को भी अब कंसीडर करेंगे, 11.5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 12.5। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, शियर फोर्स बिफोर ई, ई से पहले पहले, देखिए ई से पहले भी केवल ये चारों फोर्स है, आर ए है, 4 है, 8 है, 12 है, ठीक है, तो आर ए की वैल्यू 11.5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 मींस 12.5 शियर फोर्स एट ई। हर बार ध्यान रखिएगा कि कोई भी बल छूटना नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट लोड दिए गए हैं, अगर यूडीएल होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, आगे क्वेश्चंस में हम यूडीएल को भी दिखाएंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, अभी 11.5 4 8 12 यहां तक तो आ गए थे ई पर, यानी कि अब की बार आर ई को भी कंसिडर करना है, आर ई की वैल्यू हमारी कैलकुलेटर की आई थी 12.5 माइनस के 12.5, आप देख सकते हैं सोल्व करेंगे तो टोटल आएगा 0, इसका मतलब हम एसएफडी में सही काम कर रहे हैं, एसएफडी का सही आने का कंडीशन है कि आपका स्टार्टिंग और एंड दोनों जीरो से होनी चाहिए, अगर ये दोनों जीरो से हो रही है इसका मतलब कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब आपका अभी एसएफडी का कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो गया है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अभी जैसे हमने कैलकुलेशन पूरा एसएफडी के लिए किया है, शियर फोर्स डायग्राम यानी कि कर्तन बल आरेख के लिए जब कैलकुलेशन किया है, सेम कैलकुलेशन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी फॉलो करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट रहेगा कैलकुलेशन फॉर बीएमबी। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी होता है बच्चों के लिए, आप इसमें लगभग 20 मिनट्स तक आप इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि 20 मिनट्स बच्चों को इसे करने में लग जाते हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसमें काफी मतलब 15-20-30 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप केवल बहुत जल्दी मतलब क्विकली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसका प्रोसीजर बहुत लेंथी है, आपको पहले रिएक्शन फाइंड करनी है, फिर शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है, और फिर रियली में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। चलिए बीएमडी कैलकुलेट करते हुए हमें सिर्फ यहां पर भी दो बातें ध्यान रखनी है कि बीएमडी में बेंडिंग मोमेंट केवल और केवल एक बार कैलकुलेट होगा हर पॉइंट पर, यानी कि जैसे आपने ए के अबाउट मोमेंट लिया था, यहां पर आप हर पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे, ए बी सी डी ई जितने भी पॉइंट है क्वेश्चन में पांचों के अबाउट मोमेंट लोगे, ठीक है, और डायरेक्शन वही रहेगी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एट ए, ठीक है, यानी कि ए पर आघूर्ण, देखिए ए पर आघूर्ण मैंने आपको बताया लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है तो आघूर्ण कहां से होगा, ठीक है, तो आपके लिए सिंपल हो गया ए पर कोई आघूर्ण नहीं है जीरो। नेक्स्ट बेंडिंग मूवमेंट एट बी, आप बी पर आ जाइए, देखिए आघूर्ण का तरीका वही रहेगा कि आप अपने आप को उस पर सपोज कीजिए कि आप मैं इस पर खड़ा हूं, ठीक है,
और इसके अबाउट आप ढूंढ लीजिए, मैं यहां पर देखिए बी पर खड़ा हूं और इससे मोमेंट काउंट करने सारे, तो देखिए हम लेफ्ट ही देख रहे हैं शुरू से, तो यहां पर आ जाइए, ये आर ए इस तरीके से आएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लेते हैं प्लस, आप ढूंढ की वैल्यू कितनी होगी, बल गुना दूरी, आर ए की वैल्यू है 11.5 इंटू डिस्टेंस, मैं बी पर हूं तो डिस्टेंस आएगी 2, तो ये हो गया 22, 23, 3। बी से और किसी का आघूर्ण नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं 4 का लेता तो ये तो यहीं पर है, डिस्टेंस 0 मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो वो बेनिफिशियल नहीं है, सिर्फ यहां से बी से केवल मेरे को आर ए का ही आघूर्ण लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसी तरीके से हम सी के परिधि भी आघूर्ण लेंगे, ठीक, अब सी के परिधि आघूर्ण लेंगे मोमेंट अबाउट सी, तो देखिए सबसे पहले आर ए मोमेंट लगाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आर ए का मोमेंट कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज, तो प्लस रहेगा, क्योंकि सी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो सी के लिए डिस्टेंस रहेगी 2 और 2, 4, डिस्टेंस बल की दूरी से लेनी है, यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूं और बल कहां पर है, दोनों के बीच की दूरी, तो 2 और 2, 4, ये डिस्टेंस हर बार चेंज होगी पॉइंट के साथ साथ। नेक्स्ट, 4 किलोन्यूटन, 4 किलोन्यूटन रिवर्स डायरेक्शन में, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसीलिए ये माइनस जाएगा, माइनस के 4 इंटू 2, तो टोटल हो गया 11, 44, 46 और 8, यानी कि 38 किलोन्यूटन मीटर। फोर्थ, नेक्स्ट आपको सी तक ले चुके हैं हम, डी पर आपको इसी तरीके से डी पर मूवमेंट लेना है, डी के परित आघूर्ण, देखिए डी यहां पर है, डी के परित आघूर्ण वहीं से शुरू करेंगे, आर ए, आर ए कितना है 11.5, ये हमारा कैलकुलेट करके आया था, और ऐसे ही आर ए आया था 12.5, ठीक है, तो आर ए से शुरू करते हैं आघूर्ण लेना 11.5, अब की बार मैं डी पर हूं तो आर ए मेरे से कितनी दूर है, 2, 2, 4, 1, 5, 5 मीटर दूर है। नेक्स्ट, 4, 4 इसको रिवर्स में ले जाएंगे 2 और 3, सॉरी यहां माइनस आएगा क्योंकि 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए यहां से मैं डी पर हूं, इसको अगर मेरी तरफ आना होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो 4 इंटू 3, अभी 8 का भी मूवमेंट आ सकता है, 8 इंटू 1, क्योंकि ये डी से केवल ये 1 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से ये 8 इंटू 1, चलिए ये सोल्व कर लेते हैं, 57.5 माइनस 20 यानी कि 37.5 किलोन्यूटन मीटर। फिफ्थ और लास्ट, बेंडिंग मूवमेंट एट ई, इसका हिंदी होगा ई के परित आघूर्ण, ठीक है, या ई पर आघूर्ण, नमन घूर्ण, ठीक है, तो अब ई पर लेंगे सेम वही प्रोसीजर, यहां से शुरू करेंगे 11.5 इंटू, देखिए ई से दूरी लेनी है यहां पर मैं, और दूरी यहां तक लेनी है क्योंकि आर ए मुझसे दूरी कितनी है, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8 माइनस 4 इंटू 6, मैं ई पर हूं और ये आघूर्ण मैं यहां से ले रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से माइनस हो गया, और 2, 1, 3, 3, 6 डिस्टेंस टोटल हो गया 6, ऐसे ही 8 किलोमीटर के लिए, 8 के लिए है ये 8 इंटू 3 और 1, 4 माइनस 12 इंटू 3, तो ये टोटल कैलकुलेटर क्या जाएगा, माइनस 24, 32, 36, ये कितना हो गया 60, 92, मींस ये आ रहा है 0, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये फिर से 0 आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सही होने के लिए भी स्टार्टिंग और एंड 0 होना चाहिए, और बच्चों मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपका यहां पर 0 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहां तक तो पूरा सही है, ठीक है, अगर आपको यहां 0 है, गलत मतलब यहां पर 0 नहीं आ रहा है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती कहां पर निकलेगी, रिएक्शन फाइंड करने में, अगर आपने रिएक्शन गलत फाइंड की होगी
रिएक्शन का वैल्यू थोड़ा भी वेरी कराया होगा तो यहां पर जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये इक्वेशन चेक कीजिए, आपकी ये जीरो नहीं आ रही है तो एक बार और चेक कीजिए इसी को, ठीक है, और अगर तब भी गलत आ रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन रिवर्स में चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा आप अपनी रिएक्शन चेक कीजिए। अगर आपकी रिएक्शन गलत हो गई होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चेकिंग के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि यहां से आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन में बिल्कुल सही जा रहे हो या कहीं पर कोई इश्यू है। ठीक, तो यहां पर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन अभी चेक हो गया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस दी गई बीम के लिए हमने रिएक्शन फाइंड की, एसएफडी के कैलकुलेशन की, बीएमडी की कैलकुलेशन की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा बीम ड्रॉ करना। ठीक है, तो बीम ड्रॉ करने का स्टेप हम यहां फॉलो करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम ड्रॉ करेंगे एसएफडी और बीएमडी, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। कैलकुलेशन हम दोनों के लिए कर चुके हैं, एसएफडी बीएमडी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जहां आपका कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे आप नोटबुक में कर रहे हो या आपके एग्जाम कॉपी में, आपको क्या करना है, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको फुल पेज देना है, नेक्स्ट कॉपी का जो भी होगा नेक्स्ट फुल पेज देना है। ठीक है, पूरे पेज पर आप टॉप पोर्शन पे यानी कि उसके ऊपर की साइड पे आप बीम को दोबारा से ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका गिवन था उसको आप दोबारा से ड्रॉ करोगे। बीम ड्रॉ करते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सभी फोर्सेस को इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि देखिए जैसे ये 2 मीटर था और ये भी 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो आप इसको थोड़ा मतलब ज्यादा मैं स्केल नहीं कह रहा हूं लेकिन आप इसको अप्रोक्स ऐसा रखेंगे कि ये इससे आधा लगे। ठीक है, और ये 3 मीटर था तो ये मतलब जब 3 मीटर है और ये 2 मीटर है तो ये इससे कुछ बड़ा लगना चाहिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, जितना आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे इन चीजों का आपका एसएफडी बीएमडी उतना ही बेहतर बन के आएगा। ठीक है, ये फोर्सेस हमको बताए गए थे 4 किलोन्यूटन, 8 किलोन्यूटन और ये 12 किलोन्यूटन। हमने रिएक्शन फाइंड की थी हर पॉइंट पर, यहां पर आर ए का मान आया था 11.5 और यहां पर आर ई का मान आया था 12.5। ठीक है, ये पॉइंट्स थे ए बी सी डी और ई, ये हमको बीम थी क्वेश्चन में जिसके लिए हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अब आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जितने भी आपके पास पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी इनको आप एक्सटेंड कर दीजिए, वो भी डॉटेड। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट्स एक्सटेंड कर देने हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, एक्सटेंड हो गए, अब आपको सेंटर पर कहीं पर इस बीम को दोबारा ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए यहां पर कर लिया, ठीक, आपने एक्सिस पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे ये होता है ना इस तरीके से, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको ये मानना है कि ये एक्स एक्सिस है, ऊपर की साइड सारी वैल्यू प्लस की और नीचे की साइड सारी वैल्यू माइनस की है। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं कि ए था, ये बी डी ई। ठीक है, इस तरीके से पांचों पॉइंट थे। देखिए ये कैलकुलेशन शियर फोर्स के लिए हमारे पास सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जितनी भी प्लस की वैल्यू है आपने ऊपर मेंशन करेंगे और जितनी भी माइनस की वैल्यू है आपने नीचे मेंशन करेंगे। ठीक, तो शुरू से मेंशन करते हैं ए पॉइंट पर। देखिए यहां पर हर पॉइंट पर हमारे पास 2 वैल्यू है, शियर फोर्स ए पर बिफोर के लिए भी और एट के लिए भी है, तो हम हर पॉइंट पर दोनों ही वैल्यू मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए के लिए आ जाते हैं, ए पर 0 की लाइन यही है, प्लस की वैल्यू ऊपर माइनस की नीचे, तो शियर फोर्स एट ए, ए पर है 11.5, तो इसको यहां पर सपोज कर लेते हैं 11.5 वैल्यू लिख दी, मार्क कर दिया। ठीक है, तो हमने अंदाजे से ले लिया कि यहां पर 11.5 होगा। ठीक, नेक्स्ट बिफोर बी, बी पर दूसरी वैल्यू है 11.5, क्योंकि इस लाइन पर ये 11.5 इतना था तो यहां पर भी यही 11.5 होगा, सेम लेवल लेना है क्योंकि ये भी 11.5 है और ये भी 11.5 है। नेक्स्ट बी पर दूसरी वैल्यू है माइनस के 7.5,
7.5 इससे कुछ ज्यादा होता है तो ये ऊपर आ जाएगा 7.5, क्योंकि B पर ही था, ये भी B की ही वैल्यू है, दोनों वैल्यू B की मार्क कर दी है, ठीक है। C पर अगली वैल्यू है 7.5, वो भी माइनस में, तो हमने इसको भी माइनस में मार्क कर दिया। सेम लेवल लेंगे क्योंकि दोनों 7.5 है। नेक्स्ट कितनी है 0.5, 0.5 है इसी पर C पर, तो 0.5 प्लस का हो जाता है और ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है 0.5 जो कि बीम से ऊपर की साइड रहेगी। ऐसे ही डी पर अगली वैल्यू है 0.5, हम इसको भी इसी जगह पर मेंशन कर देंगे डी वाली लाइन पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है डी की वैल्यू डी पर ही मेंशन हो, ठीक है। एट डी पर दूसरी वैल्यू जो है वो 12.5 है, यानी कि इससे ऊपर। आप यहां पर एक चीज ध्यान रखोगे कि आपने यहां 11.5 लिया था तो, और ऊपर आप 12.5 ले रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा ज्यादा दिखे, लगे कि हाँ 12.5 इससे थोड़ा ज्यादा है। ये प्रपोर्शन जितना आप अच्छा बना के रखेंगे उतनी ही बीम आपकी, ये सर्दी बीम की अच्छी बनेगी, ठीक। 12.5 हो गया। ई पर आ जाइए, देखिए हर एक पर दो दो वैल्यू मेंशन की जा रही है, यहां पर दो ये हो गई, ये दो यहां पर, ये दो और यहां पर ये दो। ई पर आ जाइए, ई पर 12.5 है तो सेम लेवल रहेगा क्योंकि ये भी 12.5 ही था, और लास्ट जीरो, ठीक है। तो हम जीरो से चले थे, जीरो तक आ गए और बीच में हमने सारी वैल्यू मेंशन कर दी। आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा जैसे हमें पॉइंट्स में जाते थे और उससे हमें भालू बनाना होता था, 1 2 3 4 5 उनको पॉइंट्स को मिला देते तो उससे एक शेप बन के आती थी। ऐसे ही यहां पर भी करना है, यहां पर हम ये पॉइंट्स मार्क कर चुके हैं, इनको बस मिलाना है, ठीक है, और आपकी असेंबली तैयार हो जाएगी। इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में हमने इनको मार्क किया है उसी सीक्वेंस में हम इनको मिलाएंगे, मतलब कि ये 7.5 था, जिस सीक्वेंस में हमने इनको मार्क किया है उसी सीक्वेंस में हम इनको मिलाते जाएंगे। ये आपके तैयार हो गई एसएफडी। जितनी भी आपकी प्लस पोर्शन में मिली है उसको आप प्लस चिन्ह दे देंगे, जो आपकी नेगेटिव में बनी है यानी कि माइनस में, आप उसको माइनस बोल देंगे। तो ये टोटल आपकी एसएफडी तैयार होगी। इसी डायग्राम को, जो ये आपका बॉक्स नुमा डायग्राम दिख रहा है, इसी डायग्राम को एसएफडी बोलते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था, इसी को हम एसएफडी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको सेम मैनर में बीएमडी ड्रॉ करनी है, तो बीएमडी भी बना लेते हैं इसी तरीके से, वही सेम प्रोसीजर है, इसके भी वही सेम पॉइंट ए बी सी डी ई। इसमें चूंकि हमने हर पॉइंट पर एक एक वैल्यू कैलकुलेट की थी तो वही एक वैल्यू हम मेंशन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू थी, ए पर देखिए जीरो थी, बी पर 23 अप्रोक्स यहां पर ले लीजिए। इस डायग्राम का, बीएमडी के डायग्राम का, एसएफडी के डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है इसमें, हम इसको सिर्फ इस कैलकुलेशन के बेसिस पर बनाएंगे, ठीक है। तो बस हमको अपने डायग्राम पे ध्यान रखना है और इस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। तो 23 बन गया, बी पर था, सी पर 38 जो कि इससे थोड़ा ज्यादा है, वो हम यहां पर बना लेंगे 38। इसके अगले 37.5, डी पर थोड़ा डाउन है लेकिन बहुत कम डाउन है, मतलब 38 और 37.5 डिफरेंस ना के बराबर है, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे बनाएंगे। नेक्स्ट जीरो, ठीक है, सेम प्रोसीजर, आप इसको भी उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। पूरी की पूरी बीएमडी प्लस में बनी है, ठीक है। इस तरीके से ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, हमने शियर फोर्स डायग्राम भी बनाया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाया, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमसे मांगा गया था वो यही है फाइनल, आप इसको साइड में लिख सकते हैं कि ये बीएमडी है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमें किसी भी दी गई बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें चार स्टेप में काम करना होगा। सबसे पहला स्टेप आप उसकी रिएक्शन फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप आप उसके लिए शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप फाइनली आप उसको ड्रॉ करेंगे उन कैलकुलेशन की हेल्प से, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा,
बाकी इस टाइप के एग्जाम्पल हम आगे और भी लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।